हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। मैं आप सभी के रीजनिंग मैटर एक बार फिर से आप सभी के फेवरेट शो रेलवे एनटीपीसी मेगा क्विज चैलेंजिंग क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास के स्टार्टिंग करते हैं गाइस। हम लोग बहुत जल्दी से जो है, वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया है। तो गाइस, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप लोग लाइक करोगे और शेयर करोगे तो ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलो क्लास की स्टार्टिंग करेंगे बहुत जल्दी से। ये जो लिखा हुआ है, ये यूट्यूब का हमारा शेड्यूल है, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है टाइमिंग्स। टाइमिंग्स के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है सेशन की, कौन सा सेशन कब होता है और कौन सा सेशन किस चैनल पर होता है, वो भी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो गाइस आप लोग इसको फॉलो करें। ओके, चलो अनअकैडमी पर आप लोग हमें किस नाम से फॉलो करोगे, रितिका तोमर के नाम से। और अनअकैडमी पर फॉलो करने के बाद वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, ठीक है। रीजनिंग बाय रितिका मैम, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च करते हो तो आपको मेरा ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर मेरे ग्रुप में अब 8000 प्लस से ज़्यादा नहीं, 9000 प्लस से ज़्यादा लोग, 9000 प्लस ऊपर लिखा होगा, 9K प्लस, उसी वाले ग्रुप पे जुड़िए, ठीक है। अच्छा, 11 से 12 की क्लास अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करें, गोल सिलेक्ट करें, SSC सर्च करें रितिका तोमर, और वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वही मैंने बताया आप लोगों को, ठीक। अब है भाई कल संडे, तो कल संडे स्पेशल क्लास लगने वाली है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्लास के बारे में। अगर नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। देखिए भाई, कल संडे स्पेशल क्लास है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई संडे को 19 जुलाई को भाई अनअकैडमी का फेस्टिवल है, तो UPSSC और रेलवे एग्जाम से रिलेटेड 4 घंटे का स्पेशल मैराथन हमने यहाँ पे क्रिएट किया। मतलब टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा। मतलब टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, है ना, 4 to 6 PM, ठीक। मतलब ये दो टाइमिंग्स आप लोग के रहेंगे, इन दो टाइमिंग्स के आपको मेरे साथ अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में जुड़ना है, ठीक है, अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में। उसके लिए मेरा नाम वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, रितिका तोमर, किसी भी स्ट्रीम में, SSC या रेलवे, किसी भी स्ट्रीम में आप लोग सर्च कर सकते हो, रितिका तोमर मेरा नाम वहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। चलो उसके बाद भाई, आज सैटरडे, सबको पता है कि रफ्तार रीजनिंग का समय है, तो भाई रफ्तार रीजनिंग का समय है, तो शाम 7 बजे आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। चलो, तो भाई मैंने क्या बोला भाई, जो है आप लोगों का यहाँ पर 7 बजे आज शाम को आप लोग मेरे साथ रफ्तार रीजनिंग में जुड़ सकते हो। शाम को 7 बजे मेरे साथ रफ्तार रीजनिंग में जुड़ सकते हो। चैनल का नाम क्या है, वाईफाई स्टडी, ठीक है, वाईफाई स्टडी में जुड़ना है शाम को 7 बजे, रफ्तार रीजनिंग का समय याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। और भाई भाई ये जो है हमारा प्लस का कोर्स है, तो भाई प्लस के कोर्स से आप लोग किस तरीके से जुड़ सकते हो मेरे साथ, प्लस का कोर्स है 20 जुलाई से भैया 20 जुलाई का जो दिन है ना भाई, वहाँ पर दो दो बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। पहला बैच हमारा बैंकिंग का है, बैंक का जो प्लस कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर को 12 बजे से। जितने भी लोग हैं मेरे साथ, दोपहर को 12 बजे से बैंक पर कनेक्ट हो सकते हैं। और SSC और UP एग्जाम से रिलेटेड भी जो बैच है वो शाम को 7 बजे से हमारा स्टार्ट हो रहा है, फिर से आप लोग ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। तो 20 जुलाई का जो दिन है, प्लस पर दो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, बैंक भी और SSC भी, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या यूज़ करना होगा, मैंडेटरी कोड है मेरा, यूज़ करोगे तो ही 10% डिस्काउंट मिलेगा भाई, रितिका 10 के मैंडेटरी कोड यूज़ करें, रितिका 10, अगर रितिका 10 आप लोग कोड यूज़ करते हैं तो गाइज यू विल गेट 10% ऑफ ऑन एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, अब यहाँ पर एक बात और जल्दी से करना, जल्दी से भाई एक चीज़ सीख लो भाई, किसी भी प्लस की किसी भी कैटेगरी पे, अगर आप लोग प्लस की किसी भी कैटेगरी पे, चाहे आप लोग प्लस पे SSC सिलेक्ट करो, चाहे आप लोग प्लस पे बैंक सिलेक्ट करो, चाहे आप लोग प्लस पे रेलवे सिलेक्ट करो, कोई सा भी आप लोग सिलेक्ट करोगे ना कैटेगरी, ठीक है, कोड क्या यूज़ करना, मेरा रितिका 10, उससे क्या होगा 10% ऑफ मिल जाएगा। किसी को कुछ भी पूछना हो ना तो क्या करोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, पूरा डालिएगा रीजनिंग बाय रितिका मैम, ठीक है, रीजनिंग बाय रितिका मैम अगर पूरा का पूरा डालोगे, ऊपर लिखा होगा 9K सब्सक्राइबर, उस ग्रुप पर जुड़ने के बाद मुझे पर्सनली मैसेज भी कर दोगे ना, तो भी आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। पहला क्वेश्चन आ चुका है गाइस, आप लोग को बताना इस क्वेश्चन का आंसर, कि स्टार के विपरीत दिखने वाला जो फेस है वो कौन सा, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे मुझे पूरा भरोसा है, आज क्वेश्चन लेवल बहुत धमाकेदार होने वाला है।
जय महाकाल दबंग में होगी। चलो एक बात बताओ, स्टार का पोजिट निकालना है कहीं से भी तो निकाल सकते हो। प्लस का साइन यहाँ पर कॉमन है, प्लस का साइन तो यहाँ पे भी कॉमन है, क्या कर सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जा सकते हो। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हो ना यार। तो भाई प्लस के साइन स्टार के अपोजिट बताया गया तो प्लस का आएगा क्या? अरे यार तुम लोग कैसी बातें करते हो, बिल्कुल नहीं। अगर प्लस के साइन से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो देखो, अगर प्लस के साइन से आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, हैशटैग और स्टार। ठीक है, और अगर इस वाले प्लस के साइन से घड़ी की दिशा में घूमोगे तो प्लेरे प्लस के नीचे प्लस परसेंटेज लिख दोगे, यहाँ पे एंड लिख दोगे यार, तो भाई एंड आंसर आना चाहिए। तुम लोगों ने गलत कर दिया है, मैं नहीं मानूंगी तुम लोग की बात। तुम लोग कह रहे थे भाई ए आंसर होगा, प्लस का नहीं होगा, स्टार के अपोजिट ए आएगा। एक जहां पर कॉमन संख्या दिखती है उससे घड़ी की दिशा में घूमते तब आंसर आता है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे बहुत जल्दी से। ये एक संख्या है, यहाँ पर एक मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा ये आप लोग को बता रहे, जल्दी से आंसर करना। 20 सेकंड का समय आप लोगों का। चलिए, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी मिसिंग संख्या ढूंढने थी, क्या सकता है बताओगे तुम लोग? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था यार, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है ना, बस कोई समझ जाओ क्या आएगा। देखो 49 में से अगर हम लोगों ने 9 माइनस किया होता, 49 माइनस 9 अगर करते ना तो कितना आता सीधे 40। 40 का मल्टीप्लीकेशन अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 नहीं हो जाएगा, 80 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 13 में से 6 घटा देंगे, 13 माइनस 6 तो 13 में से अगर 6 घटाओगे 7 बचेगा, 7 का हमने 2 से गुणा कर लिया तो कितना आया, 14 आया ना। अब यहाँ पे भी क्या करना होगा, हम लोग को ऐसी संख्या चाहिए कि 8 का गुणा हम 2 से करें तो 16 आएगा। अब 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 रखना पड़ेगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 × 2 बराबर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए मिडिल वाली संख्या। तो हमें जो यहाँ पर वैल्यू चाहिए थी वो कितनी थी, 17 चाहिए थी, तो हमारा राइट आंसर 17। ओके गाइस, करेक्ट है ना, क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे बहुत जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो, मान जाएंगे तुम लोगों को। यहाँ पे बताना है, पैटर्न ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आने वाली, देखते कौन जल्दी से सटीक आंसर देता है, वो भी 20 सेकंड पे। पता चला कुछ, कल संडे है, कल संडे मैराथन में बिल्कुल भी जुड़ना ना बोले। ठीक है, कल संडे मैराथन होने वाली है भाई आप लोग की। मैराथन जो है उसका टाइमिंग क्या रहेगा ये तो सबको पता ही है ना। तो मैराथन का टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, मतलब 4 घंटे लगातार मैम आप लोग के साथ जुड़ने वाले गाइज। तो आप लोग को अनअकैडमी ऐप को तो डाउनलोड करना भूलना ही नहीं है, जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है अनअकैडमी ऐप को फटाफट से डाउनलोड करके मेरे साथ कल 4 घंटे की क्लास वहाँ पे अटेंड करनी है। ओके, तो चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। ए आएगा, गलत आंसर कर रहे हो। सबसे पहले देखना है इस सर्कल को। ठीक है, इस सर्कल पर सबकी नजर होनी चाहिए, मैं बता दूं सर्कल पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। पहली बात तो क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में चल रहा है, पहले यहां पर आ गया। देखो अब यहां के बाद एक पॉइंट को छोड़कर यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां के बाद से एक ये वाला पॉइंट छोड़ दिया इसने और एक ये वाला पॉइंट छोड़ दिया तो यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब पहले कितना पॉइंट छोड़ा, एक पॉइंट छोड़ा, फिर कितने पॉइंट छोड़े, कॉर्नर छोड़े, दो कॉर्नर छोड़े। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने कॉर्नर छोड़ दिए, अब यहाँ पर कितने कॉर्नर छोड़ेगा, 3 कॉर्नर। तो पहला छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा कॉर्नर छोड़ने के बाद सर्कल आपको यहाँ दिखाई देना चाहिए। तो ये गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया, ए या डी में से कोई एक आ सकता है, दोनों गलत हो गए। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास जो सर्कल आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, मैं खुद ही बना दे रही हूँ, एक इमेज खुद ही बना देती हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए। हमारे पास सर्कल एक कॉर्नर छोड़कर, दूसरा कॉर्नर छोड़कर, तीसरा कॉर्नर छोड़कर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे तो सर्कल आ गया आपका, या तो ए में है या तो डी में है, तो ए और डी में से एक ऑप्शन आएगा, पहला और तीसरा तो गलत हो गया। अब हम लोग प्लस की बात कर रहे हैं, तो प्लस जो चल रहा है वो हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहा है गाइस। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है घड़ी की दिशा के विपरीत घूमेगा, उल्टा उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे घुमा, फिर जब जैसे क्लोज में था तो बगल में आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब एक कॉर्नर छोड़कर, ये वाला छोड़कर यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने दो कॉर्नर छोड़ दिए भाई, देखो दो कॉर्नर कैसे छोड़े, एक ये वाला कॉर्नर छोड़ा, एक ये वाला कॉर्नर छोड़ा, फिर कहाँ गया यहाँ पे। अब ये तीन कॉर्नर छोड़ेगा, ध्यान रखना, तो तीन कॉर्नर छोड़ेगा मतलब पहला छोड़ के, दूसरा छोड़ के, तीसरा छोड़ के, प्लस का साइन आपको, ठीक है, मतलब यहाँ पर है पहला, तो पहला कॉर्नर छोड़ दिया, दूसरा कॉर्नर छोड़ दिया, तीसरा कॉर्नर छोड़ के आपको प्लस जो है वो यहाँ पर दिखाई देना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो हमारा प्लस हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने लगाया ना उनका भी डी आंसर सही है। कैसे करना था, वही क्लॉकवाइज में सर्कल घूम रहा था, एक कॉर्नर छोड़ के एक पॉइंट पॉइंट छोड़ते चले जाने हेक्सागोन में, जितने भी हेक्सागोन में जो है पॉइंट है वहां पर एक एक पॉइंट छोड़ते चले जाना। एंटी क्लॉकवाइज में घूमोगे तो प्लस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक एक को छोड़ते चले जाना, एक पॉइंट पहले, फिर दो पॉइंट छोड़ोगे, फिर तीसरा पॉइंट छोड़ोगे, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं भैया, डी कंफर्म है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स, यहाँ पे सॉरी इंसुलिन इज रिलेटेड टू हार्मोन, आपको बताना है पेप्सिन यहाँ पर किससे रिलेटेड है, फटाफट से भाई। आज शाम को रफ्तार रीजनिंग में गाइस आप लोग को 7 बजे जुड़ना याद है ना, आज सैटरडे है, सैटरडे संडे रफ्तार रीजनिंग में आप लोग मेरे साथ 7 बजे जुड़ सकते हो शाम को, कौन से चैनल पर, वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर भैया, शाम को 7 बजे सब लोग नाश्ता लेके बैठ जाना वहां पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर आज धमाकेदार क्लास होने वाली है, सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सभी को पता है अगर इंसुलिन हार्मोन्स से संबंधित है तो पेप्सिन यहाँ पर किससे संबंधित होता है, डेफिनेटली एंजाइम से संबंधित होता है। पेंसिल जो पेप्सिन है वो आपको एंजाइम का हिस्सा, इंसुलिन हार्मोन है, पेप्सिन क्या है, एंजाइम्स का हिस्सा है, तो आप लोग का आंसर पहला वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु का योग 50, ठीक है, 10 साल पहले कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी, कृष्णा की वर्तमान आयु क्या है, थोड़ा सा सोचना उसके बाद जवाब देना, गलती मत करना, लेकिन फिर भी टाइमर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 20 सेकेंड्स के। चलो गाइस आज की टाइमिंग याद रखिएगा सभी लोग, क्या टाइमिंग है, टाइमिंग आज की है भाई यहाँ पर 7 PM, ठीक है, 7 PM फॉर द रफ्तार रीजनिंग, 7 PM फॉर द रफ्तार रीजनिंग, कहाँ पे जुड़ना है, वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, ओके। तो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने चल रहा है, जल्दी से आंसर करना है इस क्वेश्चन का, बहुत जल्दी जल्दी ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करना है, तुम्हें क्या बोलते हो भैया, देखो यार सम ऑफ द करंट एजेस जो है, दोनों की जो करंट एजेस है नताशा की प्लस कृष्णा कितनी है? अभी करंट की बात करें 50 है, दोनों की एजेस का सम बता रहे हैं हम, है ना। 10 साल के पहले की बात अगर हम करें, 10 इयर्स अगो, तो यार 10 साल पहले दोनों दोनों की उम्र में से कम हो जाएगा, तो उन दोनों की उम्र का क्या एजेस का सम कितना होगा, 50 माइनस अगर हम लोग 20 कर देते हैं, 10 साल पहले की बात करें तो 50 माइनस अगर 20 करते हैं तो कितना होता है, 30 नहीं होता है, 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, है ना। अब कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, कुछ लोग 20 बोल रहे हैं, मतलब यार बहुत ही गलत आंसर तुम लोग करते हो, मतलब विश्वास नहीं होता कि तुम लोग इतना गलत कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, अब देखो गाइस 50 माइनस 20, क्यों 10 साल नताशा के में से कम हो जाएंगे, 10 साल कृष्णा के में से भी कम हो जाएंगे, दोनों की एजेस का सम 30 हो जाएगा 10 साल पहले की बात करें। अब यहाँ पे लिखा है कृष्णा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज नताशा, 10 साल पहले कृष्णा दुगनी हुआ करती थी, मतलब मान लो अगर हम लोगों ने नताशा को एक्स मान लिया तो कृष्णा 2x हो जाएगी, तो 2x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 3x का इज इक्वल टू 30 हो गया, तो x का मान यहाँ पर आया, गलत कर रहे हो तुम सब, x का मान आया 10, ठीक है, मतलब ये जो है नताशा की, ठीक है,
आती है, 10 साल पहले की बात चल रही है। अब अगर x नताशा है तो कृष्णा कितनी हो जाएगी, 2x है ना भैया, तो 2 का गुणा 10 से कर देंगे तो कितने की हो जाएगी, 20 की, ठीक है। अब ये तो 10 साल पहले की बात चल रही है, लेकिन अभी की अगर बात चलेंगे, प्रेजेंट एज पूछी जा रही है, प्रेजेंट एज ऑफ कृष्णा तो कितनी होगी, 20 में 10 और जोड़ दो, 20 प्लस 10 बराबर कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 30 ईयर्स, 30 इज द राइट आंसर। अरे यार कहाँ तुम लोग 10 और 15 पे पड़े हुए, गलत आंसर कर दिया भैया, थोड़ा सा मैथ्स कमजोर है लग रहा है तो। लेकिन 30 जो है, 20 तो 10 साल पहले का था ना यार, 20 तो निकाला 2x करके 10 साल पहले का था, लेकिन अभी प्रेजेंट वर्तमान पूछी गई ना कृष्णा की, कृष्णा तो दुगनी थी, वर्तमान आयु पूछी गई है, तो हम लोगों ने क्या किया, 20 समय जो उसकी पहले 20 आई थी 10 साल पहले, तो अभी उसमें 10 और जोड़ दिया हम लोगों ने, कितना आ जाएगा, 30 नहीं आ जाएगा, तो बताओ क्या लगता है, 30 नहीं आंसर आएगा। अभी समझ में, अभी सबने आंसर भी चेंज कर डाला, चलो कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सब लोग सही आंसर तक नहीं पहुंचे, तो सही आंसर तक पहुंचिए गाइस, आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3y, ठीक है। मैथ नहीं हुआ है, रीजनिंग में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एजेस वाले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इन चारों में से एक अलग वाला ऑप्शन जो है वो कौन सा वाला है, फटाफट से जरा बताओ। मैथमेटिक्स अगर वीक है तो इंग्लिश को, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो यार, रीजनिंग तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे ज्यादा रीजनिंग में लोगों के नंबर आते हैं, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई ना, गलत हो गया ना, पता था मुझे। बिल्कुल सही, अब ऑप्शन जी के साथ जितने लोग जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। पता है क्या था, पी का मतलब 16 होता है, यहाँ पर 21 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, समझ लो क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले प्लस 5 ऐड किए, फिर प्लस 4 ऐड कर दिए, फिर 3 जोड़ दिए सीधे सीधे, फिर 2 जोड़ दिए, हर एक ऑप्शन में ऐसा ही हो रहा है, हर लेटर में पहले 5 जोड़े जा रहे हैं, उसके बाद 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 वाला पैटर्न चल रहा है, लेकिन चौथे वाले में ऐसा पैटर्न नहीं चल रहा था, तो चौथा वाला यहाँ पे अलग हो चुका है। आंसर जितने लोगों ने भी फोर्थ वन दिया उनका बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी वेल डन। डेली क्लास का टाइम, अगर कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उनको बता दूँ, डेली ये वाली जो क्लास है वो 6 बजे से रखती है शाम को भैया, 6 PM, कितने लोगों को पता है ये वाली बात, एक बार डंडना डंडन बोल दो, क्लियर है टाइमिंग, क्लियर है और सारी चीज़ें क्लियर है क्या, डेली यही वाली जो रेलवे की क्लास है वो शाम को 6 बजे लगती है इसी वाले चैनल पर। तो जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं ना इस क्लास में, उनको मैं बता रही हूँ कि क्लास में डेली शाम को 6 बजे आप लोग जुड़ सकते हो इसी वाले सेक्शन पे, लेकिन सैटरडे संडे क्लास 5 बजे लगती है शाम को, सैटरडे संडे 5 बजे लगती है, डेली 6 बजे लगती है, सैटरडे संडे का टाइम 5 बजे का होता है इसी ध्यान पर, इतना याद कर लो, ठीक है, समझ गए। चलो तो अगला क्वेश्चन जल्दी से, एक बार क्लियर वाला मैसेज आ जाए, डंडना डंडन वाला आ जाए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी बताओ। यहाँ तक आज के एक एक सवाल में गाइस बहुत तगड़ा तगड़ा लॉजिक है, तभी तक अभी हम लोग 6 क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि लॉजिक एकदम धमाकेदार वाले आ रहे हैं, आंसर सबने चेंज करते हैं, क्योंकि मतलब पहुंच ही नहीं पाते, लेटर लिखे फिर भी गलत कर देते हो यार, लेटर भी नहीं तुम लोग कर पाते सही। गुड इवनिंग, हाँ डोनाल्ड ट्रंप जी को पता ही नहीं था इस चैनल के बारे में, कोई बात नहीं डोनाल्ड ट्रंप जी, अब आप आ गए, आप बड़े बड़े चैनलों पर आते हैं ना, छोटे चैनल पर आते नहीं है, इसलिए ठीक है, अभी आपको पता चल गया है ना, तो जल्दी से यहाँ पर आना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट वाले की बात करें, अब यहाँ पर मुझे लॉजिक कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ लॉजिक क्या होने वाला है, फटाफट से लॉजिक बताएगा मुझे यहाँ पर जो है वो क्या चलने वाला है, ठीक, और किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। यहाँ पर आना चाहिए 41,
ठीक है, यहाँ पर जो आना चाहिए वो आना चाहिए आप लोग का 41, यहाँ पर आना चाहिए 45। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को, कॉलम वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, कॉलम वाइज सॉल्व करो फिर आंसर मिलेगा। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, देखो चार का अगर स्क्वायर करोगे और पांच का अगर स्क्वायर करोगे तो भाई यहाँ पर कितना बनेगा, 16 प्लस 25, अगर आप लोग जोड़ देते हो तो आप लोग का आंसर सीधे सीधे यहाँ पे कितना बन रहा है, 41। बिल्कुल स्क्वायर करके ऐड किया अभिषेक शाखे जी ने, बताया वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। छह का स्क्वायर कर दिया, तीन का स्क्वायर कर दिया, 45 आएगा, छह का स्क्वायर 36, तीन का स्क्वायर 9, तो दोनों को ऐड करके 45 आया। अच्छा अब सात का स्क्वायर 49 चाहिए, कितना 58, 9 और ऐड करना पड़ेगा, 9 को ऐड करने के लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 3 चाहिए तभी तो हम 3 का स्क्वायर जोड़ पाएंगे, तो 49 प्लस 9 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा जो है आप लोग का वो हो जाएगा यहाँ पर 58, ठीक है, तो 58 विल बी द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पर बताना है कि इस संख्या में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, तो तुम लोग बता ही सकते हो, डिफरेंस लेकर देखोगे तो हिंट है, डिफरेंस लेकर देखोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके दीपक जी हैं न्यू इस चैनल पर और इस क्लास पर, तो दीपक जी आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा एक बात बताओ भैया, सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये क्लास, जितने भी लोग नए हैं मैं बता दूं ये क्लास डेली चलती है भैया, डेली शाम को 6 बजे चलती है इसी चैनल पर, सेम चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली मेरे साथ, शाम को 6 बजे जुड़ा करो, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ शाम को जुड़ते हैं, ठीक है। और आज है शनिवार का दिन, तो शनिवार का दिन और रविवार का दिन होता है बहुत खास हमारे लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग करते हैं वहां पर क्या, रफ्तार रीजनिंग, तो भाई साहब रफ्तार रीजनिंग में हमारे साथ बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें, जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ रफ्तार रीजनिंग आज जुड़ सकते हो, कहां पर, वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, ठीक है। और टाइम क्या रहेगा सभी को मालूम है, शाम को 7 बजे, तो भैया शाम को 7 बजे अपने सारे काम खत्म करके एकदम तुम लोग ताबड़तोड़ तरीके से जुड़ जाना मेरे पास वाईफाई स्टडी पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है 8 का डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा होगा, आप लोगों ने करके देखा 16 का डिफरेंस आ रहा, फिर यहाँ पर आपका डिफरेंस कितने का आ रहा भाई, चौबीस का डिफरेंस, है ना, तो चौथा डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 32 का, तो 168 में अगर आप लोगों ने 32 जोड़ दिया होता तो सीधे सीधे यू विल गॉट 200 आंसर, ना 200 आप लोगों को जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, 8 का, 16 का, 24 का, 32 का, ऐसा वाला रिलेशन, ठीक है। रफ्तार रीजनिंग है यार, इट्स RAFTAR, ठीक है, चलो 200, ओके 200 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है किन दो सिंबल्स को हम लोग इंटरचेंज कर ली कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, चलो बताओ, जी दीपक जी दिल्ली पुलिस के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो, वैसे पुलिस की मेरी जो क्लासेस है वो सुबह सुबह 10:30 बजे लगती हैं इसी चैनल पर, सेम चैनल पर, ठीक। बिल्कुल जबरदस्त क्लास होगा, अब आप लोग आएंगे अगर तो आप लोग को पता चलेगा कि क्लास कितना जबरदस्त होता है, वैसे भी सब लोग को पता होगा कि रफ्तार रीजनिंग की क्लास में लगभग
1500 से 2000 लोग हमारे साथ डेली लाइव जुड़ते हैं, हर हर बार लाइव जुड़ते हैं, तो आप लोग गाइस जुड़ सकते हो हमारे साथ रफ्तार से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे किन दो सिंबल्स को इंटरचेंज कर ली, पहला वाला ही कर लिया तो तब भी आंसर आ जाता। जैसे प्लस की जगह पर रख दो डिवाइड, डिवाइड की जगह पर प्लस, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया प्लस, यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया क्या है डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे प्लस रख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया डिवाइड रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो मल्टीप्लीकेशन रखना ही था, अब इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं देख लो, पहला वाला ही रख लिया। अब बोर्ड मास की सबसे सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करो, तो यहाँ पे 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा। ठीक है, 27 प्लस 3 माइनस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 27 प्लस 3 कितना होगा 30 हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, 30 में से 12 घटाओगे 18 आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी आप लोग की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहला वाला बिल्कुल, पेन कॉपी तो लानी पड़ेगी तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा कुछ भी। अब भाई ये बताओ, 10वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 10 में से 10 कितने लोगों ने स्कोर किया है, मुझे कौन बताएगा 10 में से जितने लोगों ने स्कोर किया, पूरे 10 में से 10 नंबर आए जाएंगे, कौन बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, वॉलनट फिगर अखरोट अंजीर आपको बताना है यहाँ पर कि सेम टू सेम ऑप्शन जो है वो कौन सा है। आंसर मिला किसी को, आंसर मिला किसी को इस क्वेश्चन का, आप तुम लोगों ने यहाँ पर, चलो आंसर मिल पाया किसी को। देखो यार, अंजीर से क्या बनता है, अखरोट बनता है, एप्रिकॉट एक फ्रूट होता है, एप्रिकॉट इज द नेम ऑफ अ फ्रूट जिसको हम लोग इंग्लिश में, अगर हिंदी में सर्च करोगे खुबानी आएगा, एप्रिकॉट से मिलकर क्या बनता है किशमिश, तो आपका यहाँ पर सही आंसर पहला होना चाहिए, फर्स्ट वाला। डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, हींग का और काजू का क्या रिलेशन है, कोई भी नहीं, आलमंड ड्राई फ्रूट से ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अंजीर से मिलकर अखरोट बनता है, तो आपको बताना फ्रूट्स से मिलकर यहाँ पे किशमिश बनती है, एप्रिकॉट इज अ फ्रूट। ठीक है, उसको जब हम सुखा कर यहाँ पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, किशमिश बनेगा, इसलिए पहला वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलो। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई सभी लोग जो है कल मेरे साथ जुड़ सकते, कल संडे है, महान जो स्पेशल क्लास है वो कल संडे को स्पेशल क्लास लग रही है 19 जुलाई को, तो आप लोग जुड़ सकते हो। टाइमिंग दो है, 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, 10 से 12, 4 से 6 अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस पे। सिर्फ अनअकैडमी पे सर्च क्या करना होगा, मेरा नाम SSC या रेलवे कैटेगरी में क्या है, रितिका तोमर, जो लोग भी अभी तक भी नहीं सर्च कर पाए वो कर सकते हैं। आगे हम लोग और क्वेश्चंस पे जा रहे हैं गाइस, ठीक है। और रफ्तार रीजनिंग आज शाम को 7 बजे, सभी लोग जानते हैं वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर आप लोग को जुड़ना है आज शाम को 7 बजे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 12वां सवाल, आप लोग को पहले से ध्यान से पढ़ना होगा उसके बाद जवाब देना। चलो, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल YouTube की बात कर रही हूँ मैं भाई, YouTube की बात कर रही हूँ और किसी की बात नहीं कर रही, YouTube की ही बात कर रही हूँ।
देखो गाइस यहाँ पर पढ़ो लिखा क्या है। इस वेन डायग्राम में जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेडीज को, ठीक है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा किसका है, लेडीज का हिस्सा है। पढ़ो पहले अच्छे से। फिर लिखा है ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टेबल्स को। त्रिभुज कॉन्स्टेबल्स का प्रतिनिधित्व करता है, कॉन्स्टेबल्स को प्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रिप्रेजेंट मैरिड पर्सन, जो स्क्वायर है ना ये वाला, वो मैरिड पर्सन को यहाँ पर, मैरिड जो शादीशुदा है उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी लेडी कॉन्स्टेबल, ऐसी कितनी लेडी कॉन्स्टेबल है आर नॉट मैरिड, जो मैरिड नहीं है। लेडी भी होनी चाहिए, कॉन्स्टेबल भी होनी चाहिए, पर स्क्वायर का उनका हिस्सा जो है वो नहीं आना चाहिए। स्क्वायर को हटा दो, बाइकाट कर दो और दोनों के बीच का कॉमन हिस्सा ले लो। ट्राइंगल का भी आना चाहिए, सर्कल का भी आना चाहिए, बट स्क्वायर वहां पर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो 12 नंबर जो है वो ऐसा है जो ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है, लेकिन स्क्वायर में नहीं है। तो आंसर यहाँ पे 12 आएगा। जितने भी लोगों ने 12 दिया उनका वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके के लॉजिकल वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा भाई ये जो फिगर है वो कहाँ पर एम्बेडेड है, आप लोगों को कहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना, लेकिन फिर भी ढूंढ पाओगे शायद। इस फिगर को ढूंढ के बताओ ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। मुझे लगता है सब लोग बता देंगे, मुझे भरोसा है तुम लोगों के ऊपर। कहाँ दिखाई दे रहा है यार ये, मुझे पहले में तो पता ही नहीं दिखाई दे रहा। बी वाला भी ऐसा फेस नहीं है, सी वाले में भी नहीं है। ये देखो आप लोगों को दिखेगा कहाँ पर, डी वाले में। ये देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखना, ठीक इस तरीके से, और फिर आपका ये वाला बन गया। ये देखो इतने इतने हिस्से में आप लोगों को ये दिख रहा होगा, मतलब कौन सा वाला बनेगा, सी वाला, ठीक है। सी इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके समझ गए। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो ऑड है वो बाकी कौन सा ऑप्शन है जो बाकी सभी ऑप्शन से थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग। यार 4 का स्क्वायर लिखा है, 14 का भी स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का भी स्क्वायर लिखा हुआ है, तीसरा ही तो अलग हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। सी वाला आ जाएगा ना, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये जो फिगर आपको दिख रहा है अगर हम इसे फोल्ड करते हैं बीच में से, याद रखना, ठीक है। देखो तो यहाँ पर अगर हम इसे बीच से फोल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो दिखेगा, फोल्ड करने के बाद किस तरीके से दिखेगा वो आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा बताओ जरा, जो लोग भी पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग ये वाली क्लासेस को डेली अटेंड कर सकते हैं शाम को 6 बजे, ठीक है। जो लोग भी पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन को, इस क्लास को डेली अटेंड कर सकते हैं, वो भी शाम को 6 बजे। तो आप लोग शाम को 6 बजे हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ क्या आंसर होने वाला है भैया। इसको अगर रिवर्स करोगे मतलब फोल्ड करोगे तो यही वाला तो इमेज दिखेगा, कौन सा वाला दिखेगा बताओ। बीच में लाइनिंग नहीं आनी चाहिए कतई भी, बीच में लाइनिंग कतई नहीं आनी चाहिए। अब बीच में यहाँ पर देखो गाइस, जब आप इसे फोल्ड करोगे तो यहाँ पे एक लाइन है ना, सॉरी लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन है, एक और लाइन है यहाँ पे, तो लाइन वाला ऑप्शन बनना चाहिए। तो कौन सा बन रहा है यहाँ से देखना, सी वाला। ए वाले में लाइन कहाँ है भैया, ए वाले में लाइनें नहीं है ना, लाइन ऑप्शन। देखो ये वाली जो लाइन है वो भी तो आ जाएंगी जब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो ए वाले में लाइनें नहीं है तो लाइन तो गलत हो गया।
बी वाला ये वाला हिस्सा बीच वाला वेकेंट है तो वैसे ही गलत हो गया, डी वाला भी गलत है, लाइन की पोजीशन जो है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आपका सी वाला जो आंसर है, देखो डी वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ऐसी वाली बननी चाहिए थी जो बनी नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर कौन बताएगा भाई कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बताइए जल्दी से। नहीं भैया, 6 बजे आज क्लास नहीं है, संडे है ना आज, जितेंद्र सैटरडे है ना आज, तो आज क्लास 7 बजे होगी वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग 7 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हो। ऐसे देखो यहाँ पर लिखा है जितनी भी स्क्वायरल्स मतलब जितनी भी गिलहरियाँ हैं वो सभी क्या हैं, छिपकलियाँ हैं, मतलब लिजार्ड। बताओ जितनी भी स्क्वायरल्स हैं मतलब कि वो क्या हैं, छिपकलियाँ हैं, माने कि क्या हैं, लिजार्ड हैं। ठीक है, ऑल लिजार्ड्स आर गूज हंस, जितने भी हंस है वो भी सभी किसके अंदर आएंगे, गूज के अंदर। ठीक है, अब बताओ पहला लिखा है क्या, सम स्क्वायरल्स आर नॉट गूज, ऐसा तो है नहीं, सारी के सारी गिलहरियां हंस के अंदर चली गई है, पहला वाला तो है। दूसरा लिखा है सम लिजार्ड्स आर स्क्वायरल, कुछ लिजार्ड जो है वो स्क्वायरल के अंदर आ चुकी है, छिपकलियां गिलहरियां, ये तो ठीक है। तीसरा लिखा है कुछ गूज भी स्क्वायरल के अंदर है, ये भी ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेकेंड और थर्ड फॉलो कर रहा है, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन, सेकेंड और थर्ड फॉलो कर रहा है मतलब कि तीसरा वाला ऑप्शन है आप लोग का यहाँ पे जो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही, सेकेंड और थर्ड फॉलो कर रहा है तो तीसरा वाला यहाँ पर आप लोग का जवाब सही होगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई इस सवाल को भी जल्दी से हम बता सकते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हाइपोक्रेसी और ट्रुथफुलनेस कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। अलग वाला ऑप्शन ढूंढना भी है, थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ईमानदारी, अखंडता, पाखंड और सच्चाई। ठीक है, तुम लोग बता दोगे आज से धीरे। चलो भाई डेफिनेटली यहाँ पर हिपोक्रेसी जो है सबसे अलग हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर ईमानदारी, अखंडता, पाखंड और सच्चाई में से यहाँ पर पाखंड जो होगा, हिपोक्रेसी जो होगी वो सबसे अलग होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। चलो तो भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं गाइज, यहाँ तक इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सेम सेशन पर 7 बजे मिलेंगे। क्लास कैसी लग रही है ये आपको जरूर बताना है। सेम सेशन पे हम लोग गाइज 7 बजे, अब रफ्तार रीजनिंग की क्लास आज 7 बजे लगेगी, आप लोग को ये बैनर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर 7 PM जो है आज आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो शाम को 7 बजे, हर शनिवार और हर रविवार। ठीक है, हर शनिवार और हर रविवार आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी पर। ठीक है, मतलब आज भी आप लोग को जुड़ना है मेरे साथ शाम को 7 बजे, धमाकेदार वहाँ पे स्टडी करेंगे। लगभग वहां पर 1500 to 2000 स्टूडेंट्स गाइज हमारे साथ लाइव पढ़ते हैं, 2000 लोग, 1500 से 2000 लोग, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो वहां पर। तो ये वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर रफ्तार रीति में आज शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो भाई सीधे सीधे भाई पूरा रीजनिंग का यहाँ पर जो मेरा प्लस कोर्स है गाइज, अब आप लोग को प्लस कोर्स के बारे में बता देते हैं कि जो लोग भी पूरी रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पर पूरी रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर बात अगर करें कि IBPS, RRB, SBI, PO क्लास का प्लस कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो भाई आप लोग को अगर जुड़ना है तो मेरे साथ आप लोग 20 जुलाई से, क्योंकि मेरे जो नए बैचेस आ रहे हैं वो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी मेरे बैचेस 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हो, 2 बैचेस आएंगे, बैंक का बैच होगा अगर प्लस का, तो बैंक की बैच जो है आप लोग का
12 बजे लगेगा सुबह, 12 बजे से क्लास पे स्टार्ट हो जाएगा। और जो एसएससी और यूपी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, वो वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे। दो दो नए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ इन प्लस के कोर्सेज पे जुड़ सकते हो। कैसे? रितिका 10 भाई यूज करके। कोड मेरा क्या यूज करना पड़ेगा? रितिका 10, उसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। अगर मेरा कोड यूज करोगे तो ही मेरे प्लस के कोर्सेज पे आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो। तो मैम ने बता दिया, समझदार के लिए इशारा काफी है कि क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर इस कोर्स से जुड़ना कैसे, देखो ये मॉड्यूल लिखा हुआ है, मॉड्यूल 1 है ये, बैंकिंग की परीक्षा के लिए मॉड्यूल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ये चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पजल से लेकर सारे चैप्टर्स। ठीक, तो भाई अगर एसएससी एग्जाम्स क्रैक करना आप लोगों का सपना है, तो भाई आप लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। प्लस के फायदे क्या होते हैं हम सभी लोग जानते हैं। प्लस का फायदा यहीं पर है कि प्लस के कोर्स पे अगर आप जुड़ते हैं गाइस, तो सबसे पहले आप लोग को कैटेगरी चुननी पड़ेगी, बैंक कैटेगरी। एसएससी कैटेगरी में भी आप लोग को कोर्स मिलेगा मेरा, रेलवे कैटेगरी में भी मिलेगा, और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा कोर्स यूपी में भी मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो। ओके, और अगर यहाँ पर आप लोग जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग के लिए सीधे सीधे लिखा आ जाएगा ऊपर, एसएससी एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन है, तो ऊपर लिखा आ जाएगी आप लोगों ने कौन सा गोल सिलेक्ट करा है। ठीक है, बिल्कुल। यूपीएससी वाले भी यहाँ पर हमारी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। गोल आप लोग कोई भी सिलेक्ट करोगे, ये सभी गोल तो मेरी क्लासेस हर जगह मिल जाएंगे। अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल ऐसी दिखाई देगी। प्लस पर अब आप लोगों को रीजनिंग के साथ साथ गाइज मैथ्स भी आप लोग अपने टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो, जीएस भी पढ़ सकते हो, जीए भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, सारे के सारे सब्जेक्ट अपने सब टॉप एजुकेटर्स से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मंडे से फ्राइडे कितने बजे लाइव चलती है जितेंद्र जी? शाम को 6 बजे चलती है, मंडे से फ्राइडे। गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाओगे, रितिका 10 कोड अप्लाई करोगे, तो आप लोगों का गाइस सीधा सीधा रितिका 10 कोड अप्लाई हो जाएगा। रितिका 10 अप्लाइड क्यों करना है आप लोगों को? रितिका 10 इसलिए अप्लाइड करना है ताकि आप लोगों का जो अमाउंट है प्लस पर वो 10% कम हो जाए। ठीक है, और कुछ लोगों को अगर इस प्लस कोर्स से जुड़ना है, मेरे से कुछ भी जानकारी पूछनी है, मेरे से बात करना चाहते हैं या कुछ भी, तो सीधे सीधे मुझे टेलीग्राम पर सर्च कर लो आप लोग। ठीक, टेलीग्राम पर अगर आप लोग मुझे सर्च करोगे तो आप लोग को डालना पड़ेगा रीजनिंग बाय रितिका मैम, रीजनिंग बाय रितिका मैम पूरा का पूरा डालना। ऊपर लिखा होगा 9K सब्सक्राइबर्स, वो ग्रुप मेरा है, उसमें ग्रुप में जुड़ने के बाद अगर प्लस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सीधे सीधे से जो है इन्फॉर्मेशन दूँ। भाई प्लस पे यहाँ पर भाई पहली चीज़ तो है टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, भैया जिन लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं, जो तुम लोगों को नहीं आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर बहुत सारे टॉपिक्स जो तुम लोगों को नहीं आते, टॉपिक वाइज क्लासेस प्लस पे चलते हैं। तो अगर टॉपिक वाइज क्लासेस आप लोगों को पढ़ना है गाइस, तो सीधे सीधे आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। कहाँ पर? प्लस की क्लासेस में। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स ऑफ बेसिक रीजनिंग पढ़ने के लिए आज ही मेरे साथ जुड़े प्लस की क्लासेस में। 20 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी का सेशन हम लोग शाम को 7 बजे रफ्तार इवनिंग में आप लोगों के साथ बनेंगे, तो वहां पर जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, ओके, समझ गए। चलो आज के लिए इतना ही। 10% ऑफ के लिए मेरा मैंडेटरी कोड याद रख लो, रितिका 10 हर जगह एप्लीकेबल होगा गाइस, RITIK 8 और 10 विदाउट स्पेस कैपिटल में डालना है। ठीक है, तो बैंक, एसएससी, रेलवे या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी कैटेगरी में आप लोग जोड़ सकते हो। पढ़ने वाले लोग जो सीरियस होते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर जोड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, और अगर मुझे प्लस पर बात करनी है या मेरे से कोई भी बातचीत करना है आपको, या फिर कोई भी आप लोगों को डाउट पूछना है, तो आप लोग सीधे रीजनिंग पूरा का पूरा सर्च करिएगा, वायरतिका मैम अगर सर्च करोगे, ऊपर मेरा ग्रुप आएगा 9K वाला, 9000 वाला मेरा ग्रुप है, जहाँ पे 9000 लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो। फी हम आपको बताएंगे सौरभ मल्होत्रा जी, यहाँ पर आप मेरे को टेलीग्राम पर सर्च कर लो, सौरभ रीजनिंग बाय रितिका मैम पूरा डालना टेलीग्राम पे, मेरा ग्रुप मिलेगा जहाँ पे ऊपर 9K सब्सक्राइबर्स लिखा होगा, उस ग्रुप में जुड़ने के बाद आप मुझे मैसेज करोगे तो आप मेरे से सीधे सीधे बात कर सकते हो। सी, ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही पढ़ेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों के सामने। बस इतना याद रखना कि सीधे सीधे मेरा कोड अगर अप्लाई करोगे ना प्लस पे, रेफरल कोड डालोगे रितिका 10, तो ही मेरी क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी भैया, और प्लस पे जो मिलता है वो तो भाई फिर आप लोग को वहीं पर आने के बाद मिलेगा। सही है, चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी सब बाद में। 7 बजे रफ्तार रेलवे में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।